बंदरों को खुली से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि ये पानी के अंदर ठंडे पड़ गए हैं पूरे, तो ये बाहर को नहीं आ पा रहे, तो इनको अब बाहर निकाला जा रहा है। रुक जाओ रटाउदा, हाँ हाँ निकालो निकालो निकालो, शाबाश, ये हो गया काम। मैं आपका दोस्त विकास स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं पानी खाली करने के लिए और टैंक की हमारी हो चुकी है फुल, तो दोस्तों चलते हैं अब घर की साइड को, आपको मिलेंगे सीधे घर पर ही। दोस्तों फाइनली पानी डाल के आ चुके हैं घर घर हम आ गए थे आपका 7:30 के आसपास, अभी टाइम हो रहा है आपका 10 बजे, और घर के जो भी छोटे मोटे काम थे वो सारे हो गए हैं। टाइम से जाने का यही फायदा है कि हम टाइम से पानी खाली करके अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं। अगर हमारे पास 10,000 लीटर का टैंकर होता तो हमारा एक ही, मतलब अगर हम दिन का एक चक्कर भी मारते तो हमारी जो भी आसपास की, वहाँ पे 3 खुलियाँ अभी हमने देखी हैं और 2-3 खुलियाँ गड़प्पू चौकी के उस साइड को भी हैं, पल्ली और को भी हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम एक चक्कर मारते तो यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ की जो 3 खुलियाँ हैं वहाँ गले तो पानी मतलब 10,000 लीटर में पर्याप्त हो जाता है जानवरों के लिए। अगर हम दिन के 2 चक्कर मारते हैं तो फिर तो मतलब जो भी आस पास की खुलियाँ यहाँ की भी वहाँ की भी, तो उससे क्या होता है कि चारों तरफ जानवरों को लिए भरपूर पानी हो जाता है। उससे क्या होता है कि हम दिन का 20,000 लीटर पानी जंगल में पहुँचा पाते हैं, यानी पर कोई बात नहीं, हमारे पास छोटा टैंकर है तो उससे भी हम 2 चक्कर मार ही रहे हैं, बात वही पड़नी है, कोई बात। दोस्तों फाइनली इस समय हम फिर से आ चुके हैं जंगल में, तो अभी हम यहाँ पे खुली के पास आए क्योंकि हम इसमें शाम को पानी खाली करके गए थे, तो ये शाम होने, अभी शाम से मतलब कितना टाइम हो रहा होगा, 12 घंटे के आसपास में जानवर सारा पानी पी गए हैं और पूरी खुली सूख गई है। देखिए कल हम इसको पूरा फुल भर के गए थे, तो अभी इसमें पानी नहीं है, पता नहीं आगे वाले में पानी होगा नहीं होगा, देखते हैं अभी, वरना अभी आते हैं पानी खाली करने के लिए। टाइम अभी कितना हो रहा है, 1:00 के आसपास हो रहा है अभी, बताओ इतनी इतनी गर्मी है कि जानवर हर टाइम पे पानी पीना आ ही रहा है। चलो आगे वाली भी देख के आए क्या है, आगे वाली के भी हालात देख के आते हैं एक बार कि उसमें कितना पानी है अभी, वरना अभी आएंगे खाली करने के लिए। दोस्तों फाइनली हम दूसरी खुली पे आए हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ बंदर, ये देखिए ये पानी की खुली के अंदर नहा रहे हैं, गर्मी से आराम पाने के लिए पानी के अंदर बैठे पड़े हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो ये देखिए। और खुली के आसपास भी इतने ज़्यादा बंदर हैं, क्या बताएं, और ना ये भाग रहे हैं हमको देख के, ये देखिए ये है वो है लंगूर यार, कहीं ये शेर को देख के तो नहीं कर रहे था, शेर को देख के, ये देखिए कहीं बैठे पड़े बंदर, क्या हो गया, देखो भारी नहीं आ रहे हैं तो कुछ, अरे क्या बात होगी होगी, देखें क्या शेर ने तो निकाल दिया इनको कहीं, ये भी हो सकता है, है? दोस्तों वरना आदमी को देख के तो जानवर भागता ही है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, क्या हो गया, ये देखो आप अभी पीछे से आएंगे अटैक करा कर, नहीं करते यार, अरे ना ही रहे यार, हैं चलो भी चलो रहें, ये देख यहाँ दिखाओ दोस्तों, राजूदा अभी इनको बंदरों को खुली से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि ये पानी के अंदर ठंडे पड़ गए हैं पूरे, तो ये बाहर को नहीं आ पा रहे, तो इनको अब बाहर निकाला जा रहा है। रुक जाओ राजूदा, हाँ हाँ निकालो निकालो निकालो, शाबाश, ये हो गया काम, ओके, तो ही नहीं भाग रहे थे देखो अब भागे, ये कारण है, देखो सारे भाग गए अब। तो हम इस समय पे हैं, आप सोच रहे होगे कि ये क्या कर रहे हैं, हम लोग खुली पे हैं अभी, तो हमने खुली पे आके एक चीज़ देखी कि यहाँ पे छोटे जानवर जो भी हैं वो अगर पानी के अंदर जा रहे हैं तो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका उपाय हमने कुछ ढूंढा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये बल्लियाँ डाल लें, ऐसे में ये बल्लियाँ ला ला के डाल लें इसमें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जानवर इसमें जाएगा, अगर छोटा जानवर है, चिड़िया है, बंदर है, इत्यादि जो भी है, कोई बात नहीं, ठीक है, इससे क्या होगा ना दोस्तों,
जो भी ये बल्लियाँ हैं इसमें क्या है, जो भी छोटे छोटे जानवर हैं वो इसमें डूबेंगे नहीं, वो इसमें बैठ के ही पानी पी लेंगे, क्योंकि ये खुली की गहराइयाँ ज़्यादा हैं। अगर ये गहराई तो अच्छा, इसकी चौड़ाई अगर ज़्यादा होती तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता और जानवर भी पानी, तो जानवर इसमें बहुत पी रहा, पर इसमें क्या है कि जानवर इसी कारण से क्या है, जो जैसे चिड़िया होती है इनके क्या है पर गीले हो जाते हैं, तो उसके बाद ये उड़ नहीं पाती है पर के सूखने तक का। तो दादा हाँ, यही कारण है अभी अब इसमें बैठेगी ना आराम से पानी पी लेगी, आराम से पी लेगी, कोई वो नहीं होगी ऐसी परेशानी। यही था तो दोस्तों हमारी टीम की एक पहल है कि हम अगर हम शाम को सुबह शाम यहाँ पे पानी भी डाल रहे हैं तो हम इसे चेक भी करने आते हैं हफ्ते में एक आध दिन की कोई ऐसी खुली में कि कितना पानी है, पानी कम तो नहीं है। अभी आगे वाली खुली में पूरा पानी सूख गया है क्योंकि जानवर भी पानी पी रहा है और ऊपर से धूप भी बहुत तेज है नहीं, क्योंकि आसपास में बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं और ये सामने बैठे पड़े हैं, क्योंकि हम राहुदौर में आए तो ये यहाँ से भाग ही नहीं रहते थे क्योंकि इनके दो बंदर के बच्चे पानी के अंदर फंसे पड़े थे। तो अभी हम देखने के लिए आए थे इनका, इनको हमने बाहर बाहर निकाल दिया है, तो अब चलते हैं घर की तरफ, आपको शाम को मिलेंगे। अभी आओगे क्या, अभी आओगे पानी डालने? चलिए दोस्तों मतलब कुल मिला के अभी का यहाँ पे आने का काम हमारा सफल हो गया। इस खुली में पानी सबसे ज़्यादा अटकता है और इसी खुली में जानवर भी सबसे ज़्यादा पानी पीता है, तो अब क्या है छोटे मोटे जानवर भी आएंगे तो इनके ऊपर बैठ के पानी पी लेंगे, इससे क्या होगा कि वो डूबेंगे नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो फाइनली हम लोग इसमें हमारी और देखिए हिरण ऐसे भाग रहे हैं, जानवर पानी की तलाश में हर जगह आ रहा है। अब देखते हैं कि खुली में पानी है नहीं, है नहीं पर ये मंकी भी है यहाँ पे, बंदर भी है, हिरन आया, हिरन तो आया है दादी, हिरन आज शाम को पानी, तो आज शाम को इस खुली में पानी पड़ेगा क्योंकि जानवर तो चारों साइड को है, जहाँ जहाँ पानी मिल रहा है जानवर वहाँ आके पानी पी रहा है, तो आज शाम को इस खुली में पानी पड़ेगा, एक आगे वाली में पड़ेगा, तीन खुलियाँ हैं आज जिसमें पानी पड़ेगा। ये दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि हमारी एक जानवरों के लिए जल सेवा की एक मुहिम चल रही है, तो उस मुहिम के तहत हम तीनों खुलियों को चेक करते हैं कि किस खुली में कितनी देर पानी टिक रहा है। इस खुली में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, अभी आगे वाली में भी नहीं था, एक ही खुली है जो जिसमें सबसे ज़्यादा पानी टिक रहा है नहीं, क्या कह रहे हो? और ये देखिए बंदर कैसे बैठे पड़े यहाँ पे, और ये है पूरा बरगद का छायादार वृक्ष, पानी की तलाश में सब, पानी की तलाश में, पानी है नहीं, शाम को आ जाएगा, अरे फिक्र मत करो, क्यों रहो था शाम को पानी डालते हैं यार, आज ऐसी आए आज क्योंकि यहाँ पे तो पानी थोड़ा ही वो होगा ना, खुली छोटी है, आधा वहाँ खा जाएगा आधा वहाँ, क्यों पता कर लेते ना, ठीक है। तो आज हम इस रास्ते से आएंगे पानी डालने के लिए, चलिए घर आप। तो प्लान में थोड़े सी चेंजेस आ गए हैं, टाइम हो रहा है आपका दोपहर के 2:30 बज रहे हैं अभी, और हम लोग जा रहे हैं पानी खाली करने के लिए। अभी शाम को हम मारेंगे दो चक्कर, राजू दादा ने गाड़ी खड़ी कर दी, अब उठाते हैं ट्रैक्टर, यहाँ से सीधे चलते हैं जय जंगल को। दोस्तों तो हम जैसे कि कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि हम अभी पानी खाली करने के लिए आ सकते हैं, तो हम दोस्तों आ चुके हैं फिर से इस खाली खुली में पानी खाली करने के लिए। अभी समय हो रहा है आपका दोपहर के बज रहे हैं 3, और सूर्यदेव बिल्कुल एकदम पूरी बस, सूर्यदेव पूरी गर्मी से तो पानी इसमें खोल दिया है ताकि इन बेजुबान जानवरों को पानी मिल सके। तो दोपहर के बज रहे हैं 3, जैसे कि राजू दा मेरी बात चल रही थी कि बागी अभी पानी खाली करने के लिए आए, तो राजू दा ने भी हाँ भर दी थी, मैंने भी हाँ भर दी थी, फिर हमने अशोक दा से बात करी, तो अशोक दा कह रहे थे तुम्हारी जैसी इच्छा होती है तुम वैसा करो, तो हम दोनों आ गए हैं अभी पानी खाली करने के लिए यहाँ पे। टाइम हो रहा है आपका अभी इस समय पे 3:00 अभी। दोस्तों फाइनली जैसे कि आपने देखा था कि राजदौर में दिन में इन खुलियों में पानी चेक करने के लिए आए थे, तो इस खुली में तो बिल्कुल ही पानी नहीं था और ना ही एक आगे खुली आगे है, नीचे पानी नहीं है, और वो जिस खुली में हम सुबह पानी छोड़ के जाते हैं उसी खुली में भी पानी था, तो हमने हम घर गए, हमने
तुरंत ट्रैक्टर उठाया और हम ट्रैक्टर लेके आ गए हैं यहाँ पे पानी खाली करने के लिए। थोड़ा पानी यहाँ पे खाली करेंगे, थोड़ा पानी करेंगे आगे वाली खुली में। आगे दोस्तों हम यहाँ पे 5 मिनट खड़े हुए तो हमें लग गई पानी की प्यास, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि क्या बताऊँ आपको। तो छाया पे खड़े होते हैं तो ये टैंकर से पानी खाली कर रहे हैं, तो यही टैंकर का पानी हमने भी पिया है क्योंकि बिल्कुल एकदम साफ पानी है, पीने लायक पानी है, तो हमने भी इसको पी लिया क्योंकि मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब है ना। दोस्तों फाइनली खुली को हमने भर दिया है, अब भरते हैं आगे वाली खुली को। चलिए दोस्तों फाइनली पीछे वाली खुली को पानी खाली करते हैं, अब जा रहे हैं घर वाली की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे भी है, वहाँ पे पानी खाली करते हैं। आपको मिलते हैं सीधे घर वाली भरी। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बड़वाली पर। जैसे कि आपने देखा था, मैं और राजा यहाँ पे अभी खुली चेक करने आए थे, इसमें पानी था नहीं, इस खुली में, सामने वाली खुली में, इसमें पानी भरते हैं और इस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बंदर बैठे पड़े हैं। तो दोस्तों ये जो सेवा है ना, ये सेवा किसी एक आदमी की व्यक्तिगत सेवा नहीं है, इस सेवा में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और ये सेवा हमारे पूरे क्षेत्र हरिता हसान को, हमारे पूरे क्षेत्र की है, इस सेवा में आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर सकते हैं, हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलो 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 बस बस बाहर चले जाएगा। और दोस्तों इस खुली में भी पानी भरना हो चुका है शुरू, तो अभी थोड़ा पानी खाली खुली में खाली करके आए हैं, टैंकर में थोड़ा ही पानी बचा है जो कि इस खुली लायक पूरा हो जाएगा। और जो भी यहाँ के बंदर हैं, हिरन हैं और भी अन्य जितने भी जानवर, उनके लिए ये पानी पिछले कुछ अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए पर्याप्त हो जाएगा, है नहीं है रावदा? बंदर आ गए थे पेड़ में। साथियों गर्मी इतनी है कि सारे बेजवान जानवर परेशान हैं, और जैसे ही इन बंदरों ने हमको देखा है कि हम पानी खाली करने के लिए आए हैं, यहाँ इस खुली में पानी खाली कर रहे हैं, तो बंदर भी हल्के हल्के अब पेड़ से कूद मार के इस पेड़ पर आ गया है एक बंदर, अब हल्के हल्के यहाँ को आएंगे। जब हम लोग यहाँ से हट जाएंगे तो फिर वो बंदर भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आएंगे, पक्की बात है। दोस्तों खुली फाइनली हमारी भर रही है और खुली में जो यहाँ के जानवर हैं उनके लिए पानी हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे सीधे घर, घर जाके हमने फिर से टैंकर भरना है, और जिस खुली में हम सुबह पानी डालते हैं उस खुली में फिर से एक टैंकर लेके आना है, फिर उसमें भी पानी डालना है। तो आपको मिलता है सीधे अब घर पर। दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं घर और टैंकर वो जा रहा है आगे, टैंकर को भरते हैं फिर से और फिर से चलते हैं एक टैंकर और खाली करने के लिए, है नी, फिर करेंगे आराम आके। तो फाइनली लाइट आ चुकी है और पानी भरना हो चुका है टैंकर में शुरू, तो अभी चलते हैं या आपको मिलेंगे सीधे जंगल पे खुली के पास। फाइनली पहुंच चुके हैं गड़प्पू फॉरेस्ट की चौकी में, राहुल खोल लागे। राहुल यहाँ देख, दोस्तों फिर से पहुंच चुके हैं पानी खाली करने के लिए अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर। क्या कह रहा? अरे इसमें जो चिड़ियाँ होती है ना, वो इसमें सीधे जा रही है तो डूब जा रही हैं, इसमें बैठ के पानी पी लेंगी वो। ये बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी शुरुआत। तो दोस्तों ये है आज के दिन की हमारी आखिरी डेस्टिनेशन और ये है हमारे आज के दिन का आखिरी टैंक। तो दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पे हो रहा है हमारा पानी खाली। दोस्तों ये कारण ये है कि अभी हम आए थे ना दिन में, आपने देखा ही होगा इससे पहले, तो यहाँ पे दो बंदर डूबे थे और इसमें तो पानी थोड़ा बहुत था ही, वहाँ वाली में जो इससे आगे एक और खुली है, जो उससे आगे एक और खुली है, उन दोनों में पानी नहीं था, तो पहला चक्कर हमने वहाँ और वहाँ खाली किया। तो अब आखिरी चक्कर जो हमारा है उसको हम यहाँ पर खाली कर रहे हैं, तो आज का टास्क हमारा यहाँ पर हो जाएगा कम्प्लीट। दोस्तों आज यार काफ़ी थक गए हैं, आज सुबह हम 5 बजे के आसपास यहाँ को आ गए थे, फिर आज 1 बजे के आसपास हम फिर से आए थे यहाँ चेक करने के लिए कि कौन सी खुली में कितना पानी है, फिर घर गए, आज तो सोए भी नहीं है, फिर हम आज पर 2:30 बजे के आसपास एक और टैंकर लेके आए
फिर घर गए, फिर भरा टैंकर, फिर आ गए हम कितना आपका 4:30 बजे के आसपास। टाइम अभी आपका 6 बजने वाला है, 6 नहीं सॉरी 5:30 बजने वाला है। और ये टैंकर हमारा आज के दिन का आखिरी है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट डे में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय दोस्तों।